हमारे देश में कई ऐसे मंदिर हैं, उन मंदिरों के पुजारी पुरुष होते हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर पुजारी की भूमिका महिला निभाती हैं। इस मंदिर को श्राप मुक्त स्थल कहा जाता है। यह मंदिर बिहार के दरभंगा जिले के कमतौल में स्थित है। इस मंदिर में देवी अहिल्या विराजमान है। रामायण में इस घटना का वर्णन मिलता है। अब हम जानते हैं ये मंदिर क्यों है प्रसिद्ध। यहाँ आने वाले लोगों का मानना है कि जिस प्रकार गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर बनी अहिल्या का उद्धार जनकपुर जाने के दौरान त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अपने चरण से किया था, उसी तरह व्यक्ति के शरीर में अहिल्या मासा की तरह होता है। वे रामनवमी के दिन गौतम और अहिल्या स्थल के कुंड में स्नान करके अपने कंधों पर वैगन का भार लेके मंदिर आते हैं और वैगन का भार चढ़ाते हैं तो उन्हें अहिल्या रोग से मुक्ति मिल जाती है। पति के श्राप से अहिल्या बनी थी पत्थर। देवी अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार स्वर्गलोक के देव इंद्रदेव अहिल्या पर मोहित हो गए। इंद्र इस बात को जानते थे कि देवी अहिल्या पतिव्रता स्त्री है, इसलिए जब गौतम ऋषि अपने आश्रम में नहीं थे तब इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश धारण करके आश्रम में पहुँच गए। इंद्र जब उनकी कुटिया से निकल रहे थे उसी वक्त स्नान करके गौतम ऋषि आ गए और अपनी कुटिया से इंद्र को उनके बीच से निकलते देख के पहचान लिया। इसके बाद गौतम ऋषि ने क्रोध बस में अपनी पत्नी को पत्थर की शिला बनने का श्राप दे दिया। इसके अलावा गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया कि उनका वैभव नष्ट हो जाए। गौतम ऋषि के श्राप के कारण इंद्रलोक पर असुरों का अधिकार हो गया। त्रेता युग में भगवान राम के चरण के प्रताप से देवी अहिल्या श्राप मुक्त हो गई। इस मंदिर में महिला पंडित कराती हैं पूजा। जहाँ पर भगवान राम ने अहिल्या का उद्धार किया था आज भी उनकी पीढ़ी वहाँ पर स्थित है और उस जगह पर महिला पुरुष की जगह महिला पंडित की पूजा कराती हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना, क्योंकि इसी तरह यूजफुल कंटेंट हम प्रतिदिन आपके लिए बनाते रहते हैं। और हो सके तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर देना। जय श्री कृष्ण।